फ्रेंड है फ्रेंड, जैसे आप सब उम्मीदें कर रहे होंगे, फ्रेंड आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कपिल शर्मा शो के उस एपिसोड में जहां भुलभुलैया 2 के स्टारकास्ट आते हैं और कृष्णा जो है उन्हें एंटरटेन करते हैं। तो चलिए वीडियो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपने रिव्यू शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। अबे ये बात आप मेरे क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट, हेलो, आ रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। ए, किससे बात कर रहा है तू ये? अबे ये रुचि के पापा भी डॉक्टर है, आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा, मैं देख लूंगा, सच्चे दिल से प्यार किया है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। नौ भाई हैं उसके, नौ सात को तो मार देगा, बाकी दो तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? वास की जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर, पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं ये? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो, गुजरात में ये बैन है क्या? ए पापा, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैन, टीना बैन, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था, है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाती। वॉट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन, बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर, ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। सर ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर, देखना आप मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हो, हाँ बैठिए, थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे, कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं? ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया? गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुना रही है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना, फोन लगा उनको। टीचर अभी के अभी फोन लगा, बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस मिस छोड़ यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था, नहीं सॉरी वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए, गलती से भेजा। बाबा सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? सर जानबूझ के भेजा था ना पापा? जानबूझ के भेजा था। वो ना भी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेस्ती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। ए बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। जा मैं तुझसे बात नहीं करता। बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा, ए ए मेरे बापड़ू। ए बाबा, संतरे की गोली खाएंगे? क्या क्या, क्या? संतरे की गोली खाएंगे? हाँ खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे? जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएंगे? लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं।
और एक चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा, वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोल रहा मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। तुमने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है आइए पापा। आजा इधर पीछे आ थोड़ा। पेंगुइन आया ऐसे आ। ठीक है ठीक है बाबा। रेडी रेडी। बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी करते हैं कृष्णा। और कैसे वो जाते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने ये जो है स्कर्ट के नीचे बरमुंडा भी पहना है। आई डोंट नो बरमुंडा कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा होता है। तो पंडित जी कहते कहते डैडी आप ये तो क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं डॉक्टर तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो पंडित जी फिर वो कॉल करने लगते हैं। तो कहते हैं तू किसको कर रहा है? तो कहते हैं रुचि के पापा भी डॉक्टर है, उनको भी बता दें अर्जेंट। तो अच्छा पता होना चाहिए। और गजराज जी भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और बाद में जो है कृष्णा जाते भी है गजराज जी से और वो उनको बधाई के लिए बधाई भी देते हैं। लेकिन गजराज जी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे थे और वो क्या कहते हैं आप भी अमिताभ बच्चन की तरह जो है 80 साल के हो जाएंगे इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। पनीर जी भी जो है गजराज जी से ही बात करना चाहते हैं तो गजराज जी और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि इधर हम इसे क्यों बात कर रहे हैं। बट वो लगता है जब वो कविताएं मांगते हैं अपने हिंदी टीचर को सुनाने के लिए तो उसके कहते हैं फोन लगाओ अभी हमें बात करनी। तो हमने सोचा शायद वो डांटने रहेंगे लेकिन जो है वो कहते हैं मुझे अनब्लॉक कर दीजिए और गलती से बोल चली गई थी लव वाली। तो बाद में जो है पनी उनसे पूछते हैं कि पापा बताइए ना सच में आपने सच में भेजा था या गलती से चली गई आपने भेजा था ना जानबूझकर। तो बाद में एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमने जानबूझ कर भेजा था। पनी जी ने तो फोन भी नहीं काटा और भी नहीं काटा तो उन्होंने सुना भी दिया। कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने उनसे जो है राजू मिलवाया था। ये हमें तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। फ्रेंड्स क्या आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।